Hello, hello, hello. How are you guys doing today? Welcome back to my channel. So guys, first of all, let me apologize for not uploading for a few days. I was just a little down on energy and I wasn't feeling myself. And I just didn't want to be on camera for a few days. So I just, you know, took a few days off. Yeah, I do apologize if you guys were waiting for me. I am so sorry about that. It was just one of those down days that you have, you know, where you need to just shut off the world. And that's what I did. So anyway, I'm back. And today we're going to watch a reaction video instead of talking about depression or anything like that. So this is Indian, When an Indian Visits London by Nishant Tanwar. भाई साहब लंदन में गोरे लोग असली वाले इधर तो जम्मू कश्मीर वाले पे नहीं नहीं वो नहीं असली के गोरे लोग अच्छा तुम लोगों के पास जम्मू कश्मीर की तरफ से गोरे आते हैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बहुत बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि हम पठान जो हैं सारे पेशावर साइड के और खैबर पख्तूनख्वा के So we're used to, you know, seeing Gore Pakistanis more than other subcontinent. जो कि अफगानिस्तान से थोड़ा दूर हैं या अफगानिस्तान से border इतना करीब नहीं है या वो वाले लोग वहाँ रहते नहीं हैं. Afghanis mostly are fair. So yeah. इतने गोरे directly उनकी तरफ देख ही नहीं सकते तुम. ऐसे देखो आँखों में चौंधा पड़ता है इतने. तो London पहुँच के मैं hotel में check-in कर लिया आपने. London का पर hotel एक number. यहाँ पैर रखो दरवाजा खुल रहा है अपने आप. जो देख रहा है तुम्हारी तरफ बंदी बंदा जो देख रहा है स्माइल कर रहा है जो देख रहा है स्माइल कर रहा है True. मैं एक बार तो देखा साला मुंह पे कुछ लगा तो नहीं है इतना तो मम्मी देख के स्माइल नहीं करती अपने को भाई रूम में चेक इन किया पर रूम में पहुंच गया तो रूम में ना लंदन का क्या सीन है कभी जाओ इसलिए ध्यान रखना इस बात को बता देता हूँ लंदन में ना तुम्हारा आईक्यू टेस्ट करते हो लंदन की पानी की बॉटल में टैग लगा हुआ था H2O मैं ये क्या है दिख तो पानी जैसा ही रहा है तो मैं गूगल करके देखा H2O तो बोला साइंटिफिक नहीं हुआ मैं भेजते तो वाटर लिख देते तुझे क्यों नहीं पता था ये ब्रो और फिर मैं उसके बाद रिलैक्स होने चला गया बंदा दिन में एक ही बार रिलैक्स होता है कोई कोई लोग दो बार भी कर लेते हैं तुम जिंदगी के सारे प्लान भी ये बनाते हो कि कल शो है शो के बाद ये करूंगा फिर ये करूंगा सही चल रहा है सब जैसे अपना काम खत्म हुआ मैं चलो धोया जाए कैसे मैं इधर लेफ्टी होंगे लोग लेफ्टी होंगे इधर होगा नहीं ब्रो कोई सामान नहीं है धोने का इधर भी नहीं है तो भेजो पानी कहां से आएगा तो फिर मैं सोचा कि लंदन ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है तो ऐसे ये अपनी तरह नहीं गए पानी लेके नहीं नहीं टेक्नोलॉजी मेरा ऐसे नहीं बहुत आला बहुत आला That's some good sarcasm right there. मैं सारे गामा पास सारी धुन में बजा ली पानी नहीं आ रहा बहुत आला सारी धुनों में बजा ली क्या हो सकता है फिर मैं ध्यान दिया कि नलका नहीं है बाथरूम में पर फोन है Okay, I just want to say, बहुत खतरनाक स्टोरी होने वाली है क्या होने वाला है आई एम सो दिस इज ऑलवेज बिन वीडियो के बाद बात करते हैं कितने आगे हमसे टेक्नोलॉजी में नलका फोन के शेप में तो मैंने ऐसे रिसीवर उठा के नहीं उसमें ऐसे छेद छेद भी बने हुए थे शावर और नहीं। जैसे ही उठाया ना उठाते उसमें ट्र आवाज भी आने लगी मैं पानी आ रहा पानी आ रहा पानी आ रहा मैं 5 मिनट तक पकड़ के रखा पानी नहीं आया मैं साला पानी का दिल्ली से आ रहा है क्या नहीं यार अरे पागल ऐसे उठाते ही थोड़ी आएगा कोई बटन दबाना पड़ता होगा तो मैंने 9 दबा दिया तो उसमें से बंदे की आवाज आने लगी मैं भाई जो बंदा आके धोएगा गुड जॉब फिर मेरे को ऐसा अचानक लगा अरे असली का फोन है तो मैंने बोला फिर बात ही कर लेते ऐसे छुआ नहीं था दूर था छुआ नहीं था तो मैं हेलो मैं उसके बाद हाय हाउ कैन आई हेल्प यू मैं भाई ये पानी का क्या सीन है बोले पानी तो नहीं है मैं तो धोऊं कैसे बोले धोने नहीं वो राइट साइड में नीचे आपको व्हाइट कलर का पेपर रोल दिख रहा है मैं हाँ दिख रहा है वाइप इट उससे पूछ लो मैं पागल है जो विद्या मां क्या वो तो भगवान भला करे H2O का अबे यार, I wanna know more.
मुझे और जानना है स्टोरी के बारे में, फिर क्या आगे क्या किया उसने. Did he ended up wiping? Yeah, ये मेरे दिमाग में शुरू से बहुत सवाल था ये जब मैं भी आया था US. ये बड़ा प्रॉब्लम है कि people don't wash here. People just, you know, wipe stuff off. I mean, you know, wiping does not do a 100% job. So people go to the bathroom, they don't wash. They just come out and, you know, just wipe. So it's a little weird to me. I don't think it works 100%, you know, satisfactory rate. नहीं होता है उसका. I don't think so. You need a Muslim shower or hand shower. Eastern countries call it Muslim shower, but you need a hand shower. It's that simple. Like, you, if you want to be 100% clean, you have to have a, you know, water dispensing object, जो के पानी का flow कहीं से maintain हो, because it's not clean otherwise. So yeah, this is something that you think about. And I have experimented with paper rolls, with toilet paper, and I gotta say it's an uncomfortable feeling. It's not comfortable. That's what I want to say. Maybe because I'm not used to it, I don't know. There could be many reasons, but yeah, it's an interesting subject. कि जब पाकिस्तानी, इंडियन, देसी लोग जब बाहर मुल्क जाते हैं and they don't see the water arrangement inside their bathrooms, inside their toilets, and then they have to, you know, use the toilet paper for the first time. It's really it's really something. I don't know. What do you guys think about this issue? मुझे ये ऐसी चीजें जो मुझे नहीं लगता एक इंसान सॉल्व कर सकता है इस प्रॉब्लम को या एक इंसान क्योंकि it's on a global scale, right? There's so many countries who prefer bidets instead of toilet paper. Bidets क्या होते हैं? Bidets ही होते हैं. Or hand showers. लेकिन a lot of countries and a lot of people also prefer toilet paper, which is you know, they both make choices, and what influences that choice? How, what is the logic behind using both? So yeah, just this is something that I think the whole world should think about and, you know, rethink about, you know, the choices that we are making. What do you guys think about that? What's better, like TP or hand shower? Let me know in the comments. That's it for today's video. Thank you for watching, Arya. Make sure you like and subscribe. Tweet me at Pakistani Reacts. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. Keep smiling. Be happy. شب خير.